सो हाई गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो मैं मेरा पंच पे ये मैट का कोटिंग जो मैंने KTM RC पे दिया था, उसका जो एक्चुअली बचा हुआ था थोड़ा सा, वो मैंने पंच का क्लैडिंग और बम्पर वाला जो पोर्शन है मैट कलर पे, सो उस पर एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने सिंगल कोट कर दिया, सो आप देख लो। इट्स इधर का जो क्लैडिंग है और फ्रंट वाला जो बम्पर है उधर ऑलरेडी मैंने डबल कोट भी हो गया, क्योंकि सिंगल कोट मैंने कल किया था ये स्टड्डे इधर, और इस साइड का क्लैडिंग पे मैंने ये डबल कोट हो रहा है अभी। और ये जो बम्पर है इधर अभी सिंगल कोट हो रहा है, मतलब सिंगल कोट हुआ है अभी भी डबल कोट नहीं हुआ है। और अगर आपको डिफरेंस देखना होगा तो इस साइड पर मैंने किया नहीं है अभी, देखो मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन पे मैंने वो पॉलिश नहीं किया, और इधर मैंने किया, थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, देखो थोड़ा सा हल्का डाल है इधर, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। सो अभी देखता हूँ कितना दिन ये जो है पॉलिश चमकाता है क्या नहीं। सो इधर भी जो मैट कलर का जो पोर्शन आता है ब्लैक में, इधर भी मैंने किया हूँ, इधर भी जो मैट कलर आता है, और पूरा जो क्लैडिंग ये बम्पर पंच पे ऑलमोस्ट 30% जो कलर है वो क्लैडिंग और ये जो मैट कलर पे ही आता है। लुकिंग ग्लास का नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी, सो और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये तो नॉर्मल है, ऐसे मतलब आपको 4 ड्रॉप देना है, 4-6 जितना देना होगा, मतलब ये पूरा वेट हो जाएगा ऐसे दे के, उसके बाद नॉर्मल सा आप ऐसे करो। मतलब आपको ऐसे करके ऐसे करना होगा, तो इससे कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं, तो ऐसे करके उसके बाद 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद वो जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स है उससे वाइप आउट कर लो। तो यही है नॉर्मल सा प्रोसेस फॉर सिरामिक कोटिंग। सो गाइज, ऑलमोस्ट सेकेंड कोटिंग भी हो गया पूरा गाड़ी पे, मतलब क्लैडिंग और जो बम्पर वाला सेक्शन है, अब देख लो। अभी मैं एक बार बाहर जाके भी देखूँगा कितना चमक आ रहा है क्या नहीं, सो लेट्स सी। देख लो इधर भी कर दिया, ये जो चीज़ है इधर ये जो बम्पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया पहले के मुताबिक, सो लेट्स सी। और ये मेरा जो एक्चुअली मड फ्लैप है ये निकल गया है, इधर एक स्क्रू लगता है आई थिंक, इधर ये जो स्क्रू है ये निकल गया, सो ये भी ठीक करना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, अभी एक बार बाहर जाके देखता हूँ कितना क्या लगता है। देख लो अभी मैं बाहर हूँ, और बम्पर ये क्लैडिंग और ये पीछे वाला बम्पर अभी देख लो, मतलब वॉश करने के बाद जो एक्चुअली में मतलब जो शाइन देता है ना वैसा ही शाइन दे रहा है अभी, मतलब ये जो क्लैडिंग और जो बम्पर वाला सेक्शन है इधर भी, सो इधर भी मतलब धीरे धीरे मैंने सेरामिक कोटिंग किया हूँ उस साइड पे, थोड़ा सा मतलब शाइन दे रहा है, नहीं तो ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा डाल सा लगता था एक्चुअली। ये कैमरा पे उतना नहीं आएगा, मतलब आप सामने से देखोगे तो थोड़ा सा शाइन दे रहा है, बट हाँ कितना दिन तक ये शाइन रहेगा और कितना वॉश के बाद ये शाइन रहेगा वो भी देखने वाला बात है। कंपनी तो क्लेम कर रहा है ऑलमोस्ट 1 साल तक ये रहेगा, तो लेट्स सी कितना दिन तक ये रहता है, देखता हूँ। सो मैंने ये जो मैट कोटिंग एक्चुअली लिया था 1450 रुपीज़ पे, तो इसमें मैंने RC 2 बार कोटिंग किया, और ये जो पंच का क्लैडिंग बम्पर है ये भी 2 बार कोटिंग किया। सो आप मतलब समझ लो ये एक बटन से आप एक गाड़ी का ऐसे बम्पर और एक बाइक, नहीं तो 2 बाइक आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि बाइक में जो स्टीयरिंग वाला पोर्शन है और टैंक है और जो मडगार्ड है ये सब भी करना है, पूरा बाइक तो आप नहीं करोगे, मतलब लाइक अलॉय व्हील्स ये सब तो आप नहीं करोगे, तो इसके लिए मतलब आप एक बटन से 2 बार 2 बाइक को मतलब 2 कोटिंग 2 बाइक का इजीली कर सकते हो, नहीं तो एक गाड़ी का ये जो बम्पर और मैट कलर का जो हिस्सा है और एक बाइक इजीली कर सकते हो। तो अभी एकदम ख़त्म हो गया आप देख लो, सो 2 कोटिंग अच्छे से हुआ गाड़ी पे। हाँ इधर मैंने एक ही कोटिंग किया, इधर 2 कोटिंग नहीं हुआ है, और इस साइड पे भी मैंने नहीं कोटिंग किया क्योंकि इधर डस्ट ज़्यादा लगता है, कोटिंग करने का कुछ मतलब नहीं है। सो इसके लिए अगर इसका फीडबैक अच्छा रहेगा तो मैं जो नॉर्मल सा कोटिंग है
वो एक्चुअली दोनों मिलता है 2500 के आसपास, सो वो भी लूँगा। तो एटलीस्ट एक महीने के बाद मैं वो लूँगा, देखता हूँ इसका फीडबैक कैसा रहता है क्या नहीं। सो एज ऑफ नाउ थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ, ड्राइव सेफ़।